सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्रिकेट 24 की जो लीग्ड फोटो है और एक लीग्ड न्यूज़ है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। और आगे इसमें बात करेंगे, कुछ लोगों ने ट्वीट करके कुछ नए नए फीचर्स बताए कि वाले फीचर्स ऐड होने चाहिए, और वो फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हमें देखा जाए, वो काफ़ी यूनिक टाइप के फीचर्स बता रखे हैं। और सबसे पहले जो लीग्ड न्यूज़ निकल के सामने, पहले वो बात करते हैं उसके बारे में। तो भाई जो लीग्ड फोटो है ना, फोटो आप पीछे देख सकते हो, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि जो पिच कवर है ना वो क्रिकेट 24 के अंदर आने वाला है। जो लुक है ना, ये क्रिकेट 24 का ही है, और दो डेवलपर्स है वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं पिच कवर के ऊपर, कि जैसे ही बारिश आती है तो पिच कवर आ जाए। ये जो अभी क्रिकेट 22 है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती नहीं है कि पिच कवर आता है बारिश आने के बाद। बारिश तो वैसे भी होती नहीं है, और पिच कवर वैसे आता नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ हमें क्रिकेट 19 में दिखाया गया था, जब टेस्ट मैच चालू होता है ना उसके ऊपर पिच कवर हटाते, वो इंट्रो पार्ट होता है इसलिए उसके अंदर दिखाते हैं ऐसा। तो ये वाली चीज़ें आ रही है ना, तो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई क्रिकेट 24 वाले। और आगे बात कीजिए आप फीचर्स की, कि लोगों ने मेरे को ट्वीट करके क्या क्या, मेरे को नहीं मतलब लोगों ने ट्वीट करके #24 क्रिकेट 24 लगा के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या उन्होंने क्या बताया कि इन गेम ऑनगोइंग मैच सजेशन, जैसे फीफा में आता है ना कि हम कोई भी टूर्नामेंट खेलते तो उसके अंदर मैच सजेशन आ जाते कि जो आपके जो साइड बाई साइड मैच, जो भी मैच चल रहा है ना उसके अंदर क्या हाल चल रहा है। जैसे कि जर्मनी, जैसे कि अपना मैच चल रहा है अर्जेंटीना और पोर्तुगल का, और साइड बाई साइड मैच चल रहा है जर्मनी और स्पेन का, तो उसके अंदर जर्मनी और स्पेन की जो स्कोर होता है वो सब दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको फोटो पीछे दिख रही है ना, उसके अंदर हम एक मैच क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसके ऊपर ऑनगोइंग सजेशन दिखा रहा है कि दूसरे मैच में का क्या हाल चल रहा है। तो ऐसा ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फीफा की तरह कुछ रिलेटेड सोच रहे भाई लोग भी। और आगे बात की जाए सेलिब्रेशन कंट्रोल लाइक फीफा, भाई जैसे कि आप कोई भी हम सेंचुरी मार देते, कोई 50 मार देते, कोई विकेट सेलिब्रेशन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो सेलिब्रेशन होता है ना, हम खुद चूज करिए हम बंदे से कौन सी सेलिब्रेशन करवाना चाहते हैं। तो भाई जैसी सेलिब्रेशन फीफा में होती है ना, कि जैसे कि हमें कुछ वैसे बंदा गोल मारता है और हमें खुद ही सेलिब्रेशन करनी पड़ती है, कोई ना कोई बटन दबा के अलग अलग सेलिब्रेशन होती है उससे। तो भाई एक बंदा ने यही सजेस्ट किया कि ऐसी जॉयस्टिक के अंदर ऐसे अलग अलग कंट्रोल हो जिससे कि अलग अलग सेलिब्रेशन हो। तो ये काफ़ी यूनिक आइडिया लगा, मैंने काफ़ी लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन भाई कितना सही आइडिया, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, ये आना चाहिए। आगे बात कर लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ऐड करने चाहिए करियर मोड के अंदर। एक बंदे ने पूरा लिस्ट बनाई है, तो पहला बताया कि एडिशन ऑफ ट्राई नेशन एंड नेशनल सीरीज। तो भाई ऐसी सीरीज आनी चाहिए करियर मोड के अंदर जो करियर मोड के अंदर है नहीं। अब आगे बात करिए एडिशन ऑफ एशिया कप, एशिया कप भी करियर मोड के अंदर नहीं है, तो एशिया कप भी ऐड हो जाए तो अच्छी बात है। और आगे बात करिए एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, भाई वो भी नहीं है उसके अंदर। ये चीज आएगी ना तो और अच्छी चीज होगी। सबसे मेन चीज आगे है T10 वर्ल्ड कप, T10 टूर्नामेंट जो UAE में होता है ना, वो सारे टूर्नामेंट ऐड हो जाए करियर मोड के अंदर, तो काफी चीज इंटरेस्टिंग रहेगी। तो भाई अभी तक तो सिर्फ यही फीचर्स है जो लोगों ने उसमें ट्वीट करके बताए थे, और आगे कुछ फीचर्स और आएंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। और आपको जितने भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिकेट 24 कोई भी एंड्रॉइड गेम के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना मत भूलना।